हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 डेटा हैंडलिंग का नया टॉपिक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स होते क्या है? पाइथन आपको क्या करता है? फंक्शंस प्रोवाइड करता है, लाइब्रेरी फंक्शंस जो आपके होते हैं, और आपको कुछ मॉड्यूल्स प्रोवाइड करता है जिसके अंदर क्या होता है, कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कुछ वेरेबल्स होते हैं और कुछ फंक्शंस होते हैं। उनको आप यूज़ कर सकते हो अपने प्रोग्राम के थ्रू। अब जब भी आपको कोई मॉड्यूल यूज़ करना होगा तो आप सबसे पहला जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा आपके प्रोग्राम के अंदर, इम्पोर्ट और उस मॉड्यूल का नाम। जब आप इंपोर्ट कर लोगे, जब ही आप उस मॉड्यूल के कॉन्सोनेंट्स, फंक्शंस या वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम बात करें कि कौन कौन से मॉड्यूल्स देता है, तो अ लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स हैं जिसको आपको देता है, जिसमें से आप जो हम पढ़ेंगे वो रैंडम पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे और स्टैटिक्स पढ़ेंगे। ये तीन मॉड्यूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम करते हैं मैथ मॉड्यूल के बारे में बात। मैथ मॉड्यूल को आपको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इम्पोर्ट मैथ, और उसके अंदर वो मल्टीपल फंक्शंस आपको देता है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। अब जैसे सील फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, इन सबको आप यूज़ कर सकते हो अगर आपकी फर्स्ट लाइन जो प्रोग्राम की होगी वो क्या होगी, इम्पोर्ट मैथ्स। अगर आप वो नहीं लिखते हो तो इनमें से कोई सी भी चीज़ आप यूज़ नहीं कर सकते। सपोज आपको एक पावर निकालनी थी, एक नंबर की पावर निकालनी थी, तो आप क्या करोगे, मैथ डॉट पी ओ डब्ल्यू, यहाँ पे अपना बेस नंबर दोगे। सपोज आपने 2 दे दिया और यहाँ पे 3 दे दिया, तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, वो उसका आउटपुट दे देगा, दैट मीन्स 8 आउटपुट दे देगा। आपको साइन वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पे साइन देंगे, और यहाँ पे साइन जिस चीज़ की साइन वैल्यू निकालनी थी वो यहाँ पर दे देंगे। ऐसी कॉस वैल्यू, ऐसे अगर आपको डिग्रीज निकालनी थी तो आप यहाँ पर दे देंगे। स्क्वायर रूट निकालना था तो आप मैथ डॉट एसक्यूआरटी लिखेंगे और यहाँ पर जो भी नंबर पास करेंगे उसका स्क्वायर रूट आपको डिस्प्ले कर देगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको एक प्रोग्राम दिया गया है, इसमें क्या है, इस प्रोग्राम के अंदर आपको स्पेयर का क्या करना है, एक वॉल्यूम निकालना है और देन एरिया निकालना है। आपने क्या करा, इंपोर्ट मैथ्स, और रेडियस आपने इनिशलाइज कर दिया, आर इक्वल्स टू 7.5, दैट मीन्स ये रेडियस है। एरिया के लिए आपका फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो आपने क्या करा, एरिया इक्वल्स टू मैथ डॉट पाई। अब पाई की वैल्यू आपको यहाँ लिखनी नहीं पड़ी, पाई की वैल्यू क्या होगी, जो वैल्यू है दैट इज पाई की 3.141592 एंड सो ऑन, उसको ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर ले लेगा, और जो आपने रेडियस इनपुट करा दैट इज 7.5, उसको दो बार उससे मल्टीप्लाई कर आपको एरिया के अंदर कैलकुलेट करके दे देगा। वॉल्यूम के लिए आपको पास फॉर्मूला है दैट इज 4πr³। उस कंडीशन में आप क्या लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू जो भी यहाँ पर आएगी इस फंक्शन के थ्रू, देन मल्टीप्लाई बाय, अब पावर फंक्शन यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या दिया, रेडियस का आपको रेडियस दे रखा है और उसका क्यूब निकालना है, तो आप क्या देखेंगे, दैट इज मैथ डॉट पाई आर कॉमा 3। तो 7.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5 जो भी वैल्यू आएगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे, 4 मल्टीप्लाई बाय मैथ डॉट पाई की वैल्यू से। उस कंडीशन में ये जो वैल्यू आएगी वो किसके अंदर चली आएगी, वॉल्यूम के अंदर चली आएगी। आप क्या करोगे, अपना रेडियस डिस्प्ले करोगे, रेडियस यहाँ पर डिस्प्ले कराओगे स्पेयर का, और उसका एरिया और वॉल्यूम डिस्प्ले करा दोगे। इसलिए आपके लिए ईजी हो गया, यहाँ पर आपको अलग से कोई भी लॉजिक लिखना नहीं पड़ा, पावर फंक्शन यूज़ करके आपने यूज़ कर लिया, ऐसी मैथ डॉट पाई कॉन्स्टेंट यूज़ करके आपने इसको यूज़ कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो मॉड्यूल होता है वो रैंडम मॉड्यूल होता है। रैंडम मॉड्यूल किस लिए होता है, कि एक रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए। उसके अंदर आपके पास फंक्शन है जो जैसे के थ्रू आप क्या करोगे, रैंडम नंबर जनरेट कर लोगे। सबसे पहले आप अपने प्रोग्राम के अंदर क्या लिखोगे, इम्पोर्ट रैंडम, दैट मीन्स इस मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप ये लाइन लिखोगे। देन अगर आप रैंडम लिखते हो, आपने ये सपोज ये लिखा रैंडम, इम्पोर्ट रैंडम, प्रिंट रैंडम डॉट रैंडम, तो ऑटोमेटिकली वो एक नंबर जनरेट कर देगा और वो आपको प्रिंट कर देगा, करके दिखा देगा। जो नंबर, अगर आप यहाँ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देते तो वो नंबर जो जनरेट करेगा वो कहाँ से करेगा, 0.0 से 1.0 के बीच से जो भी नंबर जनरेट होगा वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। आप चाहते थे कोई नंबर जनरेट करना, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 15.35। अब जो नंबर जनरेट होंगे आप क्या करोगे, रैंडम डॉट रैंडम इंट, रैंड इंट, तो आप क्या लिखोगे, 15.35। अब जो भी आपके पास नंबर जनरेट होंगे वो किसके बीच के होंगे, 15 से लेके 35 के बीच के नंबर्स जनरेट हो जाएंगे। आप रेंड रेंज फंक्शन भी यूज़ कर सकते थे, इसको आप तीन तरीके से लिख सकते हो। अगर आप रेंड डॉट रेंज, रेंड रेंज लिखते हो और 45 यहाँ देते हो, तो क्या करेगा, 0 से 45 के बीच में जो भी रैंडम नंबर जनरेट करेगा वो आपको
प्रिंट करके दे देगा। फिर आप क्या कर सकते हो, रैंडम डॉट रेंट रेंज 11.45, तो क्या करेगा 11 से लेकर 45 के बीच में जो भी रैंडम नंबर जनरेट होगा वो आप प्रिंट करा सकते हो, यानी कि वो डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप रेंट रेंज 11.45.4 तो आपकी लोअर बाउंड क्या होगा, दैट इज 11 से लेकर 45 तक जनरेट करेगा, लेकिन जब भी नंबर नेक्स्ट टाइम जनरेट कराओगे या कभी भी बीच में से जो नंबर आप प्रिंट कराओगे अगर लूप के थ्रू, तो उस कंडीशन में क्या होगा वो 4 का जंप करेगा। हर बार जो आपका जंप होगा वो क्या होगा 4 का होगा रैंडम इंट में। स्टैटिस्टिक मॉड्यूल, स्टैटिस्टिक मॉड्यूल जो आपका है वो किस लिए यूज़ होता है, कि आप यूज़ कर सको मीन, मीडियम और मोड निकालने के लिए। ये आपकी एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी स्टैटिस्टिक मॉड्यूल जो है आपका पाइथन देता है, जिसके थ्रू आप क्या निकाल सकते हो, किसी भी नंबर्स का मीन निकाल सकते हो, मीडियम निकाल सकते हो और मोड निकाल सकते हो। सपोज यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक लिस्ट बना रखिए जिसके अंदर ये नंबर्स दे रखिए। अब इस नंबर्स का आपको क्या करना था, मीन निकालना था, तो आप क्या करोगे स्टैटिस्टिक डॉट मीन और इस सीक्वेंस को पास कर दोगे। जब ये सीक्वेंस पास हो जाएगी तो इसका जो मीन होगा वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा, ऐसे मीडियम निकालने के लिए ऐसे मोड निकालने के लिए। तो बहुत इजी हो गया है। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता, मीन निकालने के लिए एक लॉजिक लिखना पड़ता, मीडियम निकालने के लिए एक लॉजिक लिखना पड़ता और मोड निकालने के लिए एक लॉजिक लिखना पड़ता। अब इस कंडीशन में क्या हो गया, आपके लिए ईजी हो गया कि आपके पास प्रीडिफाइंड पाइथन के मॉड्यूल्स हैं जिनको आप अपने प्रोग्राम के अंदर उस लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करोगे, मॉड्यूल को इम्पोर्ट करोगे और उसके फंक्शंस आप यूज़ कर सकते हो। मैं इन सारे मॉड्यूल्स के प्रोग्राम्स बनाकर आपके लिए अपलोड कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको मॉड्यूल्स के बारे में क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए और आपका कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। थैंक यू।